अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हर्बो हेल्थ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन तीन पंप के बारे में। इनका कंपैरिजन करेंगे आपस में, देखेंगे कौन सा पंप कैसा है, किस तरह से उसको यूज करना है। सभी पंप, तीनों के तीनों पंप अच्छे हैं। तीनों से ही आप पेनिस के साइज को एनलार्ज कर सकते हैं, अपने पेनिस का जो पतलापन है उसको दूर कर सकते हैं, टेढ़ापन है उसको दूर कर सकते हैं। तो जानते हैं तीनों पंप के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस हैंडसम अप पंप से। दोस्तों जैसे अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें ये वैक्यूम ट्यूब है इसकी, और साथ में ये पाइप है जिसको ऐसे इससे कनेक्ट, ये हो गया इससे कनेक्ट। साथ ही साथ इसमें तीन तरह की रबड़ दी गई है, एक एक्स्ट्रा लार्ज है, एक लार्ज है और एक ये मीडियम है। तीनों में कलर भी अलग अलग दिए गए हैं और साइज भी अलग अलग दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से इसको पहचान सकें कि कौन सा साइज कैसा है। साथ ही साथ इस पंप के अंदर क्या दिया गया है, इसमें स्केल भी दिया गया है। स्केल इसमें लेंथ में तो दिया ही गया है, यानी कि लंबाई में तो दिया ही गया है, साथ साथ मोटाई यानी कि गिर्थ में भी स्केल दिया गया है कि आप अपने पेनिस की गिर्थ यानी कि मोटाई इसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी बड़ी है। साथ साथ में जो प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिया गया है वो ये बलून दिया गया है, इससे आप इसमें प्रेशर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे प्रेशर रिलीज करने के लिए ये बटन दिया गया है, इसको जब आप दबाएंगे तो प्रेशर इसमें से रिलीज हो जाएगा। काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है ये, इसका ग्लास जो है ये यानी कि जो ट्यूब है इसकी, ये काफी अच्छी है। ग्लास में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ग्लास से लोग सोचते हैं कि कांच का बना हुआ है। दोस्तों कांच का कोई भी पेनिस एनलार्जर पंप नहीं होता, क्योंकि कांच का पंप होगा तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, अगर बात ये कि ये अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी प्लास्टिक कह सकते हैं या अच्छा फाइबर इसको आप हो सकते हैं। साथ साथ इसमें रबड़ दी गई है, इस तरह से इसमें रबड़ को लगाना होता है, देख लीजिए एक बार ये, और ये अंदर कर देंगे। अब ये आपका पंप यूज करने के लिए तैयार है। किस तरह से यूज होता है इसके लिए आप ऊपर जाके कार्ड में देख सकते हैं। इस पंप के बारे में और जानकारी दी गई है कि किस तरह से इस पंप को इस्तेमाल करना है, कैसे इसको यूज करना है, आप जान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके बराबर जो रखा है, ये भी इलेक्ट्रिक पंप है। इलेक्ट्रिक पंप यानी कि ये इलेक्ट्रिक पंप है और ये चार्जिंग पंप है। तो ये कैसे फर्क है इन दोनों के बीच में, ये जानते हैं। ये मैनुअल था, ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि मैनुअल पंप है, इसमें आप हाथ से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो प्रेशर है वो आप मैनुअल क्रिएट करेंगे ऐसे पंपिंग करके, जबकि इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना होता इन दोनों पंप के अंदर। अब इन दोनों में कैसा अंतर है जानते हैं। बात करेंगे इसकी ग्लास की, तो ये जो इसका ग्लास है और इसकी जो क्वालिटी वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। साथ साथ इसमें भी स्केल दिया गया है, इसमें स्केल इधर भी दिया गया है और इधर भी इसमें स्केल दिया गया है, इसमें दोनों साइड में स्केल दिया गया है। इसकी जो रबड़ है वो सिलिकॉन की बनी हुई है, सिलिकॉन की रबड़ उसकी भी है, अच्छी बनी हुई रबड़ है इसकी, यानी कि जो पंप की जो स्लीव होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई है। इसकी जो ट्यूब की क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है, अच्छी प्लास्टिक का है ये। अब इसमें कैसे ये प्रेशर बनता है जरा सा जानते हैं, इसको इससे हम अलग कर लेते हैं। जी हाँ, ये इससे अलग हो गया, क्योंकि यही वो पार्ट है मेन जिससे प्रेशर बनता है, जैसे प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पर तीन इसके अंदर जो छेद दिए गए हैं, तीन सुराख दिए गए हैं, जब आप ये बटन दबाएंगे पावर वाला तो उसमें से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, और नीचे वाला बटन दबाएंगे जब उसको दबाएंगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये इसमें से यहाँ पे आपको दो सेल लगाने होंगे, दो पेंसिल सेल लग जाएंगे इसके अंदर, और इसको आप ऐसे बंद कर देंगे, ये लगा करके सेल बंद कर देंगे। फिर बाद में इसको ऐसे आप थोड़ा ध्यान पूर्वक करें, इसको बहुत ही ध्यान से करें। अब ये आपका यूज करने के लिए तैयार है। यूज करने का तरीका भी इसका बहुत आसान है, ऊपर कार्ड में हमने इसके बारे में पूरी वीडियो बनाई है, पूरी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं कि कैसे इस पंप का इस्तेमाल करना है, जो कि इलेक्ट्रिक पंप है जो दो बटन से यूज होता है। अब इसके बगल में जो ये पंप रखा हुआ है, लास्ट इसके हम बता रहे हैं, ये है चार्जेबल पंप है। इसको आप चार्ज करके यूज करेंगे, इसको आप सेल डाल करके यूज करेंगे, इसको आप चार्ज करके यूज करेंगे। इसकी भी जो ट्यूब है क्वालिटी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की, बहुत अच्छी है। इसमें खासतौर से डिजाइन भी दिया गया, एक तरफ इधर डिजाइन दिया गया, इधर भी डिजाइन दिया गया है, दोनों साइड स्केल दिया गया है, इस साइड स्केल दिया गया है और इस साइड इसमें स्केल दिया गया है। इसकी जो सिलिकॉन की रबड़ है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अब इसको भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसे, ये तो इसका वैक्यूम ट्यूब है। अब ये है वो यंत्र कह सकते हैं आप, ये मशीन कह सकते हैं, जिसके जरिए से इसके अंदर प्रेशर बनता है। इसमें भी प्लस माइनस के बटन दिए गए हैं, और इसमें आप यहां से प्लस दबाएंगे तो देखिए लाइट जल गई है, और ये इसमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये अब तैयार है। अब आप इसको यूज करेंगे तो बीच में अगर आपको लगे कि प्रेशर ज्यादा हो गया तो आप यहाँ से जो वॉल्व वाला बटन है इसको दबा सकते हैं, यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। दोनों प्लस माइनस के बटन के बीच में जो एक बटन दिया गया वो इसका क्या है, वो इसका चार्जिंग पॉइंट है, यानी कि इसको आप ऐसे यहाँ पर लगाएंगे तो ये चार्ज भी होगा आपका।
इस पंप के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, ऊपर कार्ड में इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, आप जान सकते हैं कि कैसे इस पंप का इस्तेमाल करना है। तीनों ही पंप बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और तीनों के साथ में ही ऑयल आता है। अगर आपको ये पंप हमारे यहाँ से मंगाने हैं तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।